this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. नमस्कार, मैं नवीना MNS News Live में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। नागपुर में नंदनवन इलाके में मामूली से कहासुनी से एक युवक को बेरहमी से हत्या कर दी गई है। यह घटना वाटोड़ा की दर्शाई गई है। जलाराम नगर में एक युवक को चार लोगों ने मिलकर हत्या कर दी है। मृतक का नाम राहुल शंकर कुबाड़कर बताया गया है। यह घटना में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह प्रकरण से खुलासा हुआ है कि कारण सिर्फ मामूली कहासुनी से हुआ है। दो दिन पहले आरोपी की टाटा एस गाड़ी से मृतक राहुल के भाई की गाड़ी से हादसा हुआ था। हादसे में राहुल का भाई अमित जख्मी हो गया था। तभी गाड़ी की दुरुस्ती के लिए और उपचार के लिए राहुल ने आरोपी शुभम को नुकसान की भरपाई मांगी तो तभी इस बीच दोनों में जोरदार झगड़ा हुआ था। उसी बीच यह विवाद में शामिल आरोपी विशाल भी शामिल था। विशाल ने बीच में आकर शुभम से पैसे न देने की सलाह दी। विशाल एक नितिन ठाकुर ने चाइनीज के ठेले के पास बुलाकर यह राहुल को मरवाने की रंजिश तैयार की गई थी। तभी राहुल को आरोपियों ने जलाराम नगर में मिलने बुलाया। तभी राहुल पहुँच कर विशाल के साथ ही राहुल को पेट में चाकू से कई बार वार किया, साथ ही छाती एवं हाथ में कई बार किए। घटना के दौरान उसी बीच पुलिस ने विशाल नितिन को पकड़ लिया है और दो जगह से ही फरार हो चुके हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS हिंदी आप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।